देखिए जी, मोर्गन जो है ना बहुत अच्छा एक सीनियर प्लेयर है और बहुत अच्छा स्टार्ट लेता है। उसके बाद विराट कोहली की क्लास है और इंडिया के अगर हम एनालिसिस करें, कंपेयर करें एक दूसरे की टीम को, इंग्लैंड को और इंडिया को। देखिए जी, मुझे डेफिनेटली जो नज़र आता है ना वो रोहित ऑफ कोर्स आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर है, और उसके बाद अगर केएल राहुल खेलते हैं तो T20 में ही हैज बीन डूइंग वेल। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग लाहौरी फर्स्ट पीस एंड आई वेलकम यू टू अनदर स्पोर्ट्स रिलेटेड वीडियो। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं हमारे हमसाय मुल्क भारत ने टेस्ट सीरीज के अंदर इंग्लैंड को बुरी तरह हरा दिया था। नॉट ओनली स्मैश दे बैम्बूजल्ड इंग्लैंड इन टेस्ट सीरीज, लेकिन वो खत्म हो गई है। अब T20 सीरीज आ रही है, 5 T20 मैचेस की सीरीज है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, जो कि कल से शुरू होने वाली है। हम पाकिस्तानियों से बात करते हैं कि वो पूछेंगे कि उनकी ऑनेस्ट ओपिनियन क्या है, किसका पल्ला भारी है, कौन छक्के छुड़ाने के लिए तैयार है। इसके साथ यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। योर गुड नेम ब्रदर? सुमेर खान। अब्दुल समद। सर देखिए, अभी रिसेंटली इंडिया वर्सेज इंग्लैंड टेस्ट सीरीज खत्म हुई, 3-1 से जीत ली इंडिया ने। अब कल से T20 सीरीज शुरू होने वाली है, 5 T20 मैचेस है। क्या ख्याल आपके, किसका पलड़ा भारी है, कौन सी टीम रूल करेगी सीरीज के अंदर? देखें जी, अभी इंडिया के होम ग्राउंड में ये मैचेस हो रहे हैं तो जारी बात है उनके पिच का अंदाज़ा होगा, तो मे बी इंडिया की टीम बेस्ट रहेगी, होम ग्राउंड है उनका। इसलिए मेरे ख्याल से इंडिया जीतेगा, क्योंकि इंडिया के पास सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है क्योंकि उनका होम ग्राउंड है और उनके पास प्लेयर्स बहुत हैवी हैं, जिस तरह के विराट कोहली है और रोहित शर्मा है, साथ पंट है, पांड्या है, ये किस किस को आउट करेंगे। बहरहाल इंडिया को तो, इंग्लैंड को तो फेंटा पड़ने लगा इंडिया से। देखिए, इंडिया को मैं अपने होम क्राउड पे हमेशा फेवरेट करार देता हूँ, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि इंडिया अपने क्राउड में अपने जितने भी अपने उसके ना जितने भी मैचेस देखेंगे ना, वो अपने क्राउड में बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। अपने होम क्राउड पे अपने जितने भी इंडिया में मैचेस होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने एक मसलन के अपनी जितने भी क्रिकेट के देखने वाले हैं, उन्होंने अपने ग्राउंड जो अहमदाबाद का ग्राउंड है उसमें अपने ना जितने भी ऑडियंस हैं उनको अलाउ किया हुआ है। और इंडिया के अगर हम एनालिसिस करें, कंपेयर करें एक दूसरे की टीम को, इंग्लैंड को और इंडिया को, तो मेरा ख्याल है कि एक तो होम ग्राउंड है, दूसरे नंबर पे बैटिंग साइड जो है इंडिया की ऑलरेडी मजबूत है और अभी वो जो ना सीरीज जीते हैं तो हाँ, मोराल उनका हाई है, तो डेफिनेटली होम ग्राउंड होगा और पब्लिक की भी सपोर्ट होगी, तो मेरे ख्याल में इंडिया इज बेस्ट। जैसा कि हमने टेस्ट में भी देखा है कि इंडिया को काफ़ी होम एडवांटेज था और एज़ पर देम जो कि उन्होंने स्पिनिंग ट्रैक्स बनाए हैं, तो इसी तरह T20 के हिसाब से भी जो है ना वो डेफिनेटली एक अपना एडवांटेज होम का लेंगे। पर अगेन ऑन द डे जो अच्छा खेलता है डेफिनेटली वो जीतता है, और मुझे लगता है कि इंडिया डेफिनेटली रूल करेगा। ये नहीं है कि थ्रू आउट द सीरीज़ ही वो कर जाएंगे, बट मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि वो होम एडवांटेज लेंगे, प्लस उनको कंडीशंस का एडवांटेज है, प्लस एक और उनकी बड़ी पॉजिटिव चीज़ है कि उन्होंने क्राउड को अलाउ किया, जो कि उनको बहुत ज़्यादा जो है ना एडवांटेज देगा, और उसके ऊपर जो है वो डेफिनेटली उनका पलड़ा थोड़ा सा भारी होगा। मेरा ख्याल है कि इंडिया का पल्ला बहुत भारी है, इसलिए कि वो होम खेल रहे हैं और वो अपने घर में तो किसी को जीतने नहीं देते, ये तो गारंटी है ना। पर इंग्लैंड को भी आप इजी नहीं ले सकते, क्योंकि इसलिए कि इंग्लैंड वो मॉर्गन वगैरह और स्टोक और बटलर्स ये टॉप क्लास प्लेयर है और एक्सपीरियंस उनको बहुत है वहाँ खेलने का, IPL में वो खेले हुए हैं सारे। आपकी नज़र में कौन सा स्टैंड आउट परफॉर्मर हो सकता है इंडिया की तरफ से और इंग्लैंड की तरफ से इस सीरीज़ के अंदर? जैसा कि अभी आपने मेंशन किया कि इंग्लैंड के प्लेयर्स के पास बहुत एक्सपीरियंस है क्योंकि वो IPL खेलते हैं, उन ग्राउंड कंडीशंस का पता है। ये तो नहीं कह सकते कि हम वाइट वॉश करेगा, लेकिन ये है कि लीड कर जाएगा, मज़ा आएगा सीरीज़ का, मज़ा आएगा सीरीज़ का, देखने का भी मज़ा आएगा। और कोहली तो वैसे ही फेवरेट है मेरा। कोहली के अलावा आपको क्या लगता है कौन सा प्लेयर जो स्टैंड आउट परफॉर्मेंस दे सकता है सीरीज़ में, इंग्लैंड का भी हो सकता है या इंडिया का भी, कोई भी बताएं? इंग्लैंड में तो स्टॉक्स वो अच्छा खेलता है, उसका एक तो स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, वो ऐसे ही मुझे अग्रेसिव प्लेयर अच्छे लगते हैं, तो मेरा ख्याल है वो बेस्ट परफॉर्मर होगा। देखिए जी, मुझे डेफिनेटली जो नज़र आता है ना वो रोहित ऑफ कोर्स आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर है, और उसके बाद अगर KL राहुल खेलते हैं तो T20 में ही हैज बीन डूइंग वेल। पंत, उनके पास एक ट्रम्प कार्ड ऐसा है कि जो किसी भी वक्त में सिचुएशन को चेंज कर देता है, और डेफिनेटली कोहली की जहाँ तक बात है तो उसको आप बिल्कुल जो है इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ही इज़ सच अ मैच विनर के ऑन द डे आप मतलब वो सिंगल हैंडेडली किसी भी मैच को जिता सकता है। बट ऑन दी अदर हैंड उनके पास अगर देखा जाए तो देव गॉट बेन स्टोक्स, जो कि मुझे पता है वो भी एक सिंगल हैंडेडली मैच विनर है, और इसके अलावा अगर आप उनकी बैटिंग लाइनअप को देखें तो
उनमें तीन चार बैट्समैन जैसे हैं, ऑयन मॉर्गन डेफिनेटली, बट अगेन बात वहीं पर आ जाती है कि कंडीशंस पर डिपेंड करता है कि विकेट कैसी मिलती है। और अगर लाइक होपफुली इस बार हमें बीसीआई से बड़ी होप है कि जी अच्छी विकेट्स तैयार होंगी और अच्छे मैचेस देखने को मिलेंगे। देखिए मॉर्गन है जो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, ठीक है, स्टॉक्स है, और अभी जो इनका करंट प्लेयर है ऋषभ पांडे, ठीक है, उसका आप देख सकते हैं आईपीएल में भी पीछे भी बहुत अच्छा स्कोर किया उसने, तो मे बी वो भी परफॉर्म करेगा इसमें। बात पे ये भी कह सकते हैं, जाहिर बात है इंग्लैंड की टीम भी काफ़ी अच्छी है, लास्ट टाइम उन्होंने वर्ल्ड कप भी जीता है, बेन स्टोक भी काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, बहरहाल 50-50 है, ज़्यादा चांसेस कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन मैं चाहूँगा इंडिया जीते। वैसे देखिए जी, मॉर्गन जो है ना बहुत अच्छा एक सीनियर प्लेयर है और बहुत अच्छा स्टार्ट लेता है, उसके बाद विराट कोहली की क्लास है, उन्होंने अपनी क्लास क्या बनाई है कि हमारे अगर हम पाकिस्तान से उनको कंपेयर करें ना, बतौर एज अ पाकिस्तानी होने की हैसियत से, हमारे प्लेयर आते हैं उसको मारते हैं। अब देखिए बाबर आजम आता है, वो सुकून से अपने आप को पहले इनिंग्स बिल्ड करता है, स्ट्राइक रिटेन करता है, विराट कोहली भी यही करता है कि उसको पता है कि मैंने ही टीम को लेके चलना है। रोहित शर्मा की क्लास है, वो उसके उसका जो एक परफॉर्मेंस करने का एक अंदाज़ है वो डिफरेंट है। इंडिया में आपने खेला ना, वहाँ पर जो बैटिंग करता है ना पहले रोहित शर्मा, जैसे धवन है, शर्मा है, कोहली है, राहुल टॉप क्लास प्लेयर हैं ये तो, जब एक एक दफ़ा खड़े हो जाए सौ तो वो करते हैं लाजो। वो कहते हैं ना पंजाबी में किनू किनू आउट करोगे। बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल, नीचे से वो ऑलराउंडर जो है वो पांड वो भी बहुत अच्छा खेलता है, वो फॉर्म में है, वो तो है ही फॉर्म, वो तो वो छक्के ऐसे मारता है जैसे वो 2020 खेल रहा है, वो टेस्ट में भी बहुत अच्छा खेला है, उसकी वजह से तो जीते हैं सारे, ऑस्ट्रेलिया में भी वो जीते हैं। आपको नहीं लगता कि देखिए जी इंग्लैंड की मोर देन हाफ टीम आईपीएल खेलती है, वो इस कंडीशन से काफ़ी ज़्यादा अवेयर हैं इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं, तो मुकाबला बड़ा कड़ाकेदार होगा। जी डेफिनेटली होना भी चाहिए, बिकॉज इंग्लैंड की टीम को आप बिल्कुल जो है ऑफकोर्स अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा जो एडवांटेज है ना वो हमेशा से होम टीम को इसलिए रहता है कि ऑफकोर्स अगेन इंडिया में तो स्पेशली आप जब भी देखें तो बात फिर विकेट्स पर आ जाती है कि वो अपनी मर्जी के विकेट तैयार कर लेते हैं और अच्छा खेलेंगे। मेरा ख्याल में एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा, एक हेल्दी कंपटीशन होगा, कि इंग्लैंड की टीम भी बहुत अच्छी है और इंडिया की टीम भी जो है ना वो बहुत अच्छी है, तो मेरा ख्याल है कि अच्छी सीरीज होने वाली है। सो सर आपके ख्याल में इंडिया रूल करेगा इस T20 सीरीज? बिल्कुल करेगा जी, 100% करेगा, इसलिए कि मैं फिर दोबारा यही कह रहा हूँ कि उनकी बॉलिंग और अभी जीत के आ रहे हैं सीरीज, जी सारा कुछ मोमेंटम उनका बना हुआ है, तो उनको हराना इतना ईजी नहीं होगा। यानी कि आपकी नज़र में इंडिया का पलड़ा भारी है सीरीज के अंदर? जी इंडिया का पलड़ा भारी है, यानी कि बड़ी कड़ाकेदार किस्म की सीरीज होने वाली है। बहुत अच्छी होगी इंशाल्लाह, बहुत हैवी किस्म की होगी सीरीज ये, हाँ अच्छा मज़ा आएगा, और इंडिया का ग्राउंड हो वैसे ये बात है कि वहाँ का मज़ा तो बहुत आता है, लेकिन इंशाल्लाह इंग्लैंड और इंडिया, मैं चाहता हूँ कि दोनों टीमें ज़बरदस्त मुकाबला करें। वेल दोस्तों, दैट वाज द ऑनेस्ट ओपिनियन ऑफ पाकिस्तानीज, एज यू हर्ड दे व्हाट दे वांटेड टू से। जैसा कि आप जानते हैं इंडिया का पलड़ा भारी है, या एक तो उनका होम एडवांटेज है, दूसरा उनका एक एक प्लेयर आउट क्लास है, किस किस को आउट करेंगे यार खुद ही अंदाज़ा लगा लें। अब 5 T20 मैचेस हैं, हर 5 T20 मैचेस के बाद आपको एक वीडियो देखने को मिलेगी, इंशाल्लाह ताला आप बेफिक्र रहें, रिजल्ट कोई भी हो हम एक ऑनेस्ट एक न्यूट्रल रिव्यू आपके सामने लेकर आएंगे, उम्मीद करेंगे आपको वो अच्छी लगेगी। इसके साथ ही यहाँ पर वीडियो का इख्तिताम करते हैं और विश यू बेस्ट ऑफ लक इंडियन टीम फॉर T20 सीरीज। इसके साथ ही यहाँ पर वीडियो का इख्तिताम करते हैं, और वो लोग जो हमारे इस चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, पेज को लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट टाइम अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।